अमित शाह में क्या आपने क्यों दे, क्यों दे वो, क्यों दे, क्यों देगा इस्तीफा? मोदी जी का क्या करेंगे जब काम ही नहीं करेंगे? तो वो मोदी जी ने कितनी महंगाई कर दी है, लेकिन कुछ वही नहीं है कोई। देखो विकास और धर्म दोनों अपनी जगह है, ठीक से पूछो। बीजेपी में जाता है बीजेपी गृह मंत्री, अमित शाह जिम्मेदार है कि जिसने आरोप लगाया है केजरीवाल पे, जिनने आरोप लगाया है उसी से आप चंदा ले रहे हो। ये ना कन्हैया कुमारी जी देखा, वो तो बीजेपी मनोज तिवारी नजर का आता है। लोग कहते हैं राम मंदिर बना के बहुत बड़ा काम करा है, रक्षक है ये, ठीक है? अगर हिंदुत्व के इतने बड़े रक्षक है तो शंकराचार्यों को इन्होंने सम्मान क्यों नहीं दिया? और ऊपर से विधुर आदमी हवन यज्ञ वगैरह में नहीं बैठता। आपका नाम क्या, पूरा नाम बताइए? नाम नितिन शर्मा है। बीजेपी कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। बहुत स्वागत है आप सबका रियल एक्सप्रेस में। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर, और ये सीट देश भर में सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ कन्हैया कुमार बनाम मनोज तिवारी दो बड़े चेहरे हैं, दो चर्चित चेहरे हैं, और मनोज तिवारी यहाँ से दो बार के सांसद हैं। क्या लगता है, क्या नाम है आपका? होशियार सिंह नाम है मेरा। क्या लगता है मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार? नहीं नहीं, यहाँ तो मनोज तिवारी नहीं आने वाले। क्यों नहीं आने वाले? उन्होंने कुछ करा ही नहीं 10 साल में, क्या करे? हमने तो उनको देखा ही नहीं 10 साल में कभी भी, यहीं पर रहते हम गांवड़ी में, लेकिन कभी नहीं देखा इन्होंने उनको। दो बार के सांसद और पहली बार कन्हैया कुमार क्या उन्हें टक्कर दे रहे हैं? कन्हैया कुमार एक युवा नेता है, वो आएंगे, बाकी जो है उसको उनको तो देखा नहीं है कभी, मनोज तिवारी को हमने कभी भी नहीं देखा 10 सालों में। कुछ लोगों का कहना है कि हम मोदी जी के नाम पे वोट देंगे। मोदी जी का क्या करेंगे जब काम ही नहीं करेंगे? तो वो जब काम करेंगे जभी तो मोदी जी का कुछ करेंगे। मोदी जी ने कितनी महंगाई कर दी है, लेकिन कुछ वही नहीं है कोई, मतलब कुछ करते ही नहीं है। फ्री राशन मुद्दा नहीं होगा? फ्री राशन का क्या करेंगे, क्या करना है फ्री राशन का? इनको ये विकास नहीं दिख रहा, ये विकास हो रहा है, इन्हें विकास नहीं दिख रहा, इन्हें वो दिख रहा है। हमें ये दिख रहा है कि मोदी के अंदर जो चला जाता है वॉशिंग मशीन से धुल के बाहर आ जाता है, हमें ये दिख रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी रहेगी। सपोर्ट कर रहे हैं जो कहते हैं कि भारत टेढ़े टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो क्या कहते थे वो अलग, लेकिन ये साबित नहीं हुआ, ये तो आरोप है। खुद भाजपा की एक नेता है, प्रत्याशी के खिलाफ 40 आरोप दर्ज है। तो गृह मंत्री किसका है, गृह मंत्री किसका है? गृह मंत्री तो भारत सरकार का है। भारत सरकार की गृह मंत्री क्या कर रहा है अगर उन पे 40 आरोप है? तो अभी वो बाइज्जत बरी होके आया का नहीं है कुमार? इज्जत बरी होके आए हैं, आप ही कह रहे हैं ना बाइज्जत बरी होकर। लो मैं बता रहा हूँ, बेजी भी मेरा ढूंगा उखाड़ ले, मैं कह रहा हूँ मेरे को भेज दे, फिर ऐसा थोड़ी होता है यार, खुद तड़ी पा रहे बीजेपी। बीजेपी कहते हैं कि मैंने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं यूपी में कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। आप ग्रेटर नोएडा यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश आता है आपका, ग्रेटर नोएडा में जब मर्जी आपको, आप 9 बजे के बाद वहां से आप जा नहीं सकते हो। सारे गुंडे डर के भाग गए यूपी से, आप कैसी बात कर रहे हैं? सर राइट ही नहीं है। मैं अपने मुंह से, मैं ग्रेटर नोएडा रैपिडो और ओला यूज करता हूँ, और मैं जब बाहर जाता हूँ ना तो सवारी डरती है कि आप लीगल हैं अनलीगल हैं, बल्कि हमारी आईडी है उनके पास, सारी चीजें, उसके बाद भी ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद, ये कोई भी एरिया ऐसा नहीं है, सेफ है। अच्छा ये बताइए, यहाँ से मनोज तिवारी का मुकाबला कन्हैया कुमार से है, कौन जीत रहा है? राइट, कन्हैया कुमार हमारे स्टूडेंट है, हम जरूर उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनपे आरोप लगे हैं कि वो कुछ इस तरह के हरकत। सर आरोप के लिए तो मेरे पे भी आरोप है, मोदी जी पे भी या किसी पे भी आरोप हो, मैं नहीं जानता उस चीज के लिए आरोप किस पे है, मैं नहीं जानूंगा इस चीज के लिए। सरकार किसके लिए सोचेगी? आप एक बार आप मेरे को जवाब देंगे, सरकार किसके लिए सोचेगी? ये बताइए, चुनाव में मुद्दा धर्म होना चाहिए या विकास? देखो विकास और धर्म दोनों अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन उसके लिए विकास जरूरी है। जो भारत का विकास हुआ है आज, वो दुनिया में जीडीपी देख लो इंडिया की, इन्हें अगर वोटिंग है तो भाई साहब जी रोजगार बेरोजगार है क्या? आप बिल्कुल बेरोजगार है भाई साहब, अगर नहीं चाहेंगे नहीं। जीडीपी की फुल फॉर्म बता दीजिए आप, जीडीपी की आप बता दीजिए आप अपने लिए नहीं, आप बताइए ना आप, मैं आप इनसे कहना चाहता हूँ जीडीपी में एक आपको रोजगार क्यों नहीं मिलना? सर मेरे से नहीं कोई बहस करनी है आपको, मैं एक नॉर्मली बात बताता हूँ, मैं हूँ एक मजदूर आदमी, मैं 5वीं क्लास फेल होके मैंने स्कूल छोड़ दिया, मैं एक नॉर्मल, ऐसे लोगों को रोजगार चाहिए। तो बीजेपी बात करती नहीं है, पेट्रोल 100 के पार हो गया है, सरसों का तेल 150 रुपए लीटर हो गया है। भाई साहब जी सुनो, महंगाई 10 साल से ही महंगाई आ गई है, उससे पहले टाटा अंबानी के टक्कर के आदमी थे। आप ये बताएं, मोदी जी जब 2014 में आए थे
उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उन्होंने कहा पेट्रोल डीजल की कीमत मिली है, इन जैसों को थोड़ा मिल जाएंगे, खुद कह रहे हैं अपने मुंह से कि मैं 5 फेल हूं। सरकार गरीब आदमी, अच्छा ठीक है ठीक है, इनसे हम बात करते हैं। नौकरी मिली क्या आपको? कहाँ नौकरी मिली है? ऑटो चला के गुजारा कर, आप 12th की स्पेलिंग बताइए। कहाँ नौकरी मिली? आप सबसे पूछ रहे हैं क्या गरीबों के लिए इस देश में जगह नहीं है? जो पढ़े लिए मुफ्त राशन मिला है, कोरोना काल में कितना विकास हुआ? बस भैया आप मुफ्त राशन पे गुजारा कर लीजिए। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली का सपोर्ट अरविंद केजरीवाल का करता हूँ। मैं 7 काम अरविंद केजरीवाल के बता दूंगा, ये 5 बता दें। 5 काम बताइए मोदी। देखो देश अरविंद केजरीवाल का 7 काम बता मोदी के, नहीं पहले आप बताओ, आप बताओ। पहले बिजली फ्री, पानी फ्री, 1 मिनट सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो पूरी। बिजली फ्री, लाइट फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री, मोहल्ला क्लिनिक में दवाई फ्री, और बच्चों के लिए एजुकेशन अच्छी अच्छी व्यवस्था, और जो है क्या कहते हैं सरकारों में सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा बिल्कुल सही। अब आप 5 काम बताइए। यहाँ के अलावा केजरीवाल जिसकी कोई गिनती नहीं है, केजरीवाल ने बहुत बढ़िया काम करा है। जेब काटो, जेल में खाना फ्री, जेब पत्रों पर क्यों नहीं लगाम? गांधी जी भी गए थे जेल में, तो गांधी जी भी गए थे, तो क्या वो अपराधी हो गए? वो तो अपराधी हो गए। दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा क्राइम, दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा क्राइम, दिल्ली के अंदर कितना क्राइम बढ़ गया आप बताइए। गृह मंत्री है उसका ठेके था दिल्ली भाई, दिल्ली का सीएम का चक मारा था हमें, क्या करेगा सीएम, क्या करेगा? इनसे पूछो, बीजेपी में जाता है बीजेपी गृह मंत्री, अमित शाह जिम्मेदार है, अमित शाह के हाथ में, अमित शाह के हाथ में क्यों देगा इस्तीफा? देगा इस्तीफा? देगा इस्तीफा? दिल्ली पुलिस जो है गृह मंत्रालय के अधीन आती है, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है, और गृह मंत्री भाजपा के अमित शाह। देखिए बोलने दीजिए, 1 मिनट बोलने दीजिए। देखो बीजेपी के 5 मुद्दे गिनवाता हूँ। सबसे पहले हमारा राम मंदिर बनवाया, ठीक है, वो तो 500 साल पुराना मुद्दा था। ठीक है, जेब में हाथ डाल के घूम रहा हूँ, कोई मेरा फोन नहीं। ठीक है, एक जीडीपी दुनिया में सबसे अच्छी भारत की भाग रही है, इस समय ऊपर ग्रोथ कर रही है। ठीक है, पीएम तक उतर गया था दिल्ली के अंदर। आप ये सोचो, क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? नाम की गोला। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एक सीएम को हराने के लिए पीएम तक उतर गया। क्यों दिल्ली आया? अरे भाई तो इसका मतलब आपको पता ही नहीं है, इसका मतलब आपको जानकारी नहीं है। ऐसे आप अभी बहस कर रहे हो ना, आप गलत बहस कर रहे हो अभी। आज क्या है, आप एक काम करवा देना, आज क्या है, दिल्ली की जनता ताहिमाम ताहिमाम कर रही है। इस केजरीवाल भ्रष्टाचारी सरकार को दिख नहीं रहा है तो दिल्ली की जनता किस तरीके से अपनी जीवन व्यतीत कर रहा है? ये कौन सा संविधान में लिखा है जो एक दिल्ली का मुख्यमंत्री और उस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है वो जेल में जाता है और कहता है मैं इस्तीफा नहीं दूंगा? ये क्या है? लेकिन 70 में क्या है? 70 में 70 में 67 सीटें, 70 में 62 सीटें देश की जनता दे रही है दिल्ली की जनता। अब मैं ये जनता की नादानी है जो केजरीवाल को चुन के लाया, 70 में 67 सीट दिया, कोई विकल्प नहीं था। कांग्रेस राज की कंटिन्यू 15 साल, उनको और कोई विकल्प नहीं दिखा। बीजेपी ने भी राज किया मगर और कुछ नहीं दिखा, तब जाके 70 में 67 सीट दिया है ना। अब दिल्ली का जनता अब कभी भूल करने वाला नहीं है। बीजेपी ने 55 करोड़ रुपए भी लिए इलेक्ट्रिशियन बॉन्ड पे, कहाँ गए वो? ये भ्रष्टाचार नहीं है? ईडी उनको क्यों नहीं गिरफ्तार करती है? जेपी नड्डा को क्यों नहीं करती है? हाँ, किसी को नहीं कर रही, जो बात है ये सच बात है कि जिसने आरोप लगाया है केजरीवाल पे, जिनने आरोप लगाया है उसी से आप चंदा ले रहे हो, उसी से चंदा ले रहे हो, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि बीजेपी के अंदर ईडी और सीबीआई बीजेपी के अंदर में है।
इसलिए उसकी कोई सुनवाई नहीं। क्या लगता है इस बार कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी में कौन जीतेगा? ये तो कन्हैया कुमार ही जीतेगा, वो तो बीजेपी मनोज तिवारी नजर कहाँ आता है? ये तो कह रहे हैं 400। अगर इतना अच्छा भाई, एक मिनट, अगर इतना अच्छा काम कर, अरे भाई एक मिनट, अगर इतना अच्छा काम करा था अभी छह सांसद क्यों बदल दिए? अरे तो सांसद क्यों बदल दिए? क्या नाम आपका? मेरा नाम नितिन है। क्या लगता है आपकी बार कौन जीत रहा है? मेरे को ये लगता है कि इस बार पहले जितनी सीट बीजेपी नहीं ला पाएगी, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी भी है और ऊपर से बात ये भी है कि पब्लिक कहीं ना कहीं जो बीजेपी का वोटर था कहीं ना कहीं इस बार टूट तो रही है, कहीं ना कहीं। क्यों टूट रहा है? नहीं सर, मतलब उनकी कथनी और करनी में फर्क है। पहले जिसे बोल लू भाई सर, क्या फर्क? अंधभक्ति करना कृष्ण भगवान है। पार्टी के लोग कहते हैं राम मंदिर बना के बहुत बड़ा काम करा। पहली बात तो ये कि राम मंदिर जो है हमारे राम भक्तों के पैसों से बना है, ना कि सरकार ने दिया है। वो लोग कहते हैं कि भाई हिंदुत्व के बहुत बड़े रक्षक हैं, ठीक है, अगर हिंदुत्व के इतने बड़े रक्षक हैं तो शंकराचार्यों को इन्होंने सम्मान क्यों नहीं दिया? और ऊपर से विधुर आदमी हवन यज्ञ वगैरह में नहीं बैठता। आपका नाम क्या, पूरा नाम बताइए? नाम नितिन शर्मा है और मैं भी राम भक्त हूँ। राम को सम्मान मिला तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? मेरे को तकलीफ नहीं हो रही है, राम को सम्मान मिलना चाहिए था। राम हमारे लिए हमारे आराध्य है शुरुआत से। हम हर चीज का एक अंत होता है। कांग्रेस को भी घमंड था कि 70 साल इस देश पे राज किया, ठीक है, 70 साल इस देश पे राज किया, उसके बाद उसका भी अंत हुआ, ठीक है। एक मिनट में पत्ता भी पलट जाता है। एक मिनट लगती पत्ता पलटने में, एक मिनट लगती पत्ता पलटने में। बीजेपी कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। चुनाव में धर्म मुद्दा होना चाहिए या देश का विकास? देखिए, देश सर्वप्रथम है हमारे लिए भैया, देश सर्वप्रथम है। हम किसी धर्म के विरोध में नहीं है, लेकिन जो किसी धर्म के विरोध में, हम उसके स्वयं विरोध में खड़े हुए हैं। आप क्या करें भाई, महंगाई का मुद्दा कोई उठा ही नहीं रहा। क्या महंगाई है? नहीं उठ रहा, हर चीज महंगाई है, हर चीज में महंगाई। वो साबुन 65 रुपए का आता है, अलमर में 115 रुपए का आता है, हर चीज महंगाई है, महंगाई है। क्या महंगा? हर चीज ले लो, हर चीज में महंगाई है, कुछ भी ले लो। फ्री में राशन नहीं मिल रहा? फ्री में मिला, कितना मिल रहा है फ्री में? क्या कितना मिल रहा है? 5 किलो से गुजारा है। फ्री में क्या मिल रहा है ये बताओ, फ्री में क्या मिल रहा है? फ्री में राशन, फ्री में बस फ्री मिल रही है।